अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द हैदर रिफत शो और मैं हूं आपका होस्ट हैदर रिफत। आज बहुत ही स्पेशल मेहमान है मेरी शो पे, यहाँ पे हरीम फारूक। शी इज़ ऑल सेट टू स्टार इन द न्यू फिल्म हीर मान जा विच इज़ रिलीजिंग ऑन ईद उल अज़ा दिस ईयर। थैंक यू सो मच हरीम फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू हैदर फॉर हैविंग मी। नॉट एट ऑल। हरीम, आप अपने बारे में कुछ व्यूअर्स को बताएं, व्हाट इज़ योर स्टोरी, हु इज़ हरीम फारूक? हु इज़ हरीम फारूक? वाओ, दैट इज़ अ वेरी तो बड़ा एक्सटेंसिव आंसर हो जाएगा इसका। हरीम फारूक इज अ गर्ल हु ड्रीम बिग, जस्ट वॉन्टेड टू बी एन एक्टर ऑल हर लाइफ, लव्ड एक्टिंग, हैड अ पैशन फॉर इट, बट वॉज नेवर रियली वोकल अबाउट इट, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं था कि इट कैन बी अ प्रोफेशन, इट कुड बी अ ब्रेड एंड बटर। व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग, द बिगेस्ट सपोर्ट आई हैड वॉज माई पेरेंट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट आई हैव माई पेरेंट्स एंड अ वेरी डियर फ्रेंड हुज ऑलमोस्ट अ ब्रदर, इमरान काजमी। सो दीज पीपल वर द वंस हु एक्चुअली encouraged me to pursue my dreams, to pursue my passion. So I started with theater. I was studying law at that time, decided to leave law and actually follow my passion. Theater kiya, theater ke saath phir Imran was making a film at that time called Siyah. It was a feature film. Us time pe pata bhi nahi tha ki film, I'm actually doing a film, like a feature film. I didn't have any idea, but kya kehte hain, us time pe film bhi kar li. और फिर उसके बाद वाइल डूइंग थिएटर और उस फिल्म से स्टार्टेड गेटिंग टीवी ऑफर्स, स्टार्टेड विद हम टीवी, डिड माय प्रोजेक्ट्स विद देम इनिशियली, और फिर इमरान के साथ ही पार्टनर्ड अप फॉर प्रोडक्शन और फिर मूवीज एंड ऑल। सो आई थिंक हरीम एक वो इंसान है जो अल्लाह की ज़ात पे बहुत भरोसा रखती है, और शी बिलीव्स इन वन थिंग दैट इफ़ यू इंटेंड to follow your passion and if you have the right and the purest of intentions, har cheez aapke liye hoti jati hai, har cheez achhi hoti jati hai. Great. Hareem, you represented Pakistan abroad in Paris as the representative of L'Oreal. How was that experience like? Kaisa tha wo representing Pakistan, ek positive image promote karna? मैं आई थिंक आई नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस आंसर, क्योंकि फॉर मी एवरी टाइम समबडी आस्क्स मी दिस क्वेश्चन आई गो ब्लैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, बिकॉज इट वॉज ओवरवेलमिंग फॉर मी। आई कॉन्ट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट था वो, और कितना एक प्राइड वाली बात थी, एक ऑनर वाली बात थी कि आई वॉज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। मेरे लिए बहुत एक ज़रूरी अहम बात यह है कि विद माई एक्टिंग एंड विद माई वर्क आई वॉन्ट टू प्रमोट पाकिस्तान इन अ पॉजिटिव मैनर इंटरनेशनली। आई वॉन्ट टू गिव पाकिस्तान द रिस्पेक्ट दैट माई कंट्री डिजर्व्स। आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट बैक। आई वॉन्ट के जो पाकिस्तान, मुझे लगता है कि हमने जहाँ से शुरू किया था और हमें जो आज होना चाहिए था, हम वो नहीं हैं, और मेरा दिल चाहता है कि मैं वो इतनी मेहनत करूँ और अपने नाम से पाकिस्तान को वो इज्जत दूँ जो वो डिज़र्व करता है। तो दिस वॉज स्टार्टिंग विद फिल्म, एंड इवन दो आई फील कि एवरी प्रोजेक्ट दैट आई डू टेक्स मी अ स्टेप क्लोजर टू माई एम, टू माई मेन गोल। एंड हैविंग सेड दैट, पहले इनिशियली मूवीज़ के साथ हमारा ये था कि वी गोना टेक इट इंटरनेशनली एंड वी गोना रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन अ वेरी सॉफ्ट मैनर, एंड देन पेरिस वाज अनदर माइलस्टोन, कि यू नो हैविंग टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान ओवर देयर विद अमंगस्ट सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, मेनी ऑफ देम हु प्रॉब्ली डिडंट इवन नो व्हाट पाकिस्तान वाज, राइट? सो उनके लिए देखना, एंड आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री। To be very honest, मैं वहाँ पे when I landed there और मैं got to the event, वहाँ पे the first thing I realized, I was like, oh my god, I am the only one who's representing Pakistan. Shit. Pressure. Like, oh nah, this is a huge responsibility. It is. So you have to be at your best. Yes. That's very important. तो मेरे लिए it was a matter of pride, honor, and responsibility, to be very honest. I and I hope I've done justice to it. I'm sure you have. Hareem, when you, speaking of this particular, when you were representing Pakistan, jab aap is tarah ke events pe jaati hain, when you're representing Pakistan internationally, criticism is bound to follow. Aur social media pe aapko jaanti hain, it has become a platform for spreading hate. So how do you manage to put yourself out there 24/7 to that scrutiny? Kis tarah se manage karti hu use? I tend to ignore hate. Aur mujhe lagta hai the only
way you can vanish hate is through love. तो अगर जितना हेट आता है उससे कहीं ज़्यादा लव प्रमोट करें, उससे कहीं ज़्यादा लव स्प्रेड लव. आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू काउंटर हेट. सो आई यूजुअली इग्नोर हेट और जहाँ पे मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है और समबडी हु इज़ बीइंग टू नेगेटिव टुवर्ड्स मी, आई ट्राई टू बी नाइस टू देम, nicer to them. I try to make sure, क्योंकि मुझे लगता है people who spread hate और या किसी के आपका दिल ख़राब करते हैं और make you feel bad about something, उनका वो उनको खुद बहुत वो खुद बहुत अजियत में होते हैं. I feel कि it's important to realize that and it's important to help them. So I think I don't take hate seriously. I think the only counter to hate is love. So that's very important. बिल्कुल. हरीम, ये भी कहा जाता है कि जो एक्टर होता है इस फील्ड में, स्पेशली जैसे आप और मैं अगर मीडिया से बिलोंग करते हैं, तो कहा जाता है कि स्पेशली एन एक्टर हु इज़ टू आउटस्पोकन या तो मुंह फट जिसको कहते हैं, तो ही कैन नॉट और शी कैन नॉट सर्वाइव लॉन्ग इन दैट इंडस्ट्री. तो डू यू थिंक कि कहते हैं डिप्लोमेसी के लिए ऑप्ट करना चाहिए, आपका क्या राय है इस पर कि डू यू थिंक डिप्लोमेसी इज़ द की टू सर्वाइविंग इन दिस इंडस्ट्री, या तो आउटस्पोकन होना भी ज़रूरी है? Not just this industry, I feel it's very important कि आपने अगर ज़िंदगी में survive करना है तो it's not about diplomacy, it's about how you make others feel. That's very important. For me it's important कि मैं आज हैदर से मिली हूँ तो I make sure कि हैदर की कोई दिल आज़ारी ना हो, और हैदर यहाँ से जाए तो वो ये ना कहे कि यार मैं क्या, I feel so bad, I should never meet this person again. And you know, I feel bad about my own self. So I think that's the worst you can do to anyone. So it's very important to know कि आप इंसानियत ज़रूरी है, डिप्लोमेसी से ज़्यादा इंसानियत ज़रूरी Empathy. है. एब्सोल्युटली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज पीपल विल नॉट रिमेंबर हु यू आर और व्हाट यू डिड, दे विल ओनली रिमेंबर हाउ यू मेक देम फील. आई डोंट रिमेंबर हु सेड दैट, बट हूएवर सेड दैट सेड द राइट वर्ड्स. क्योंकि आप छोटे से छोटे किसी इंसान से मिलें, बड़े से बड़े इंसान से मिलें, आपको उसका स्टेटस नहीं याद रहेगा, आपको ये याद रहेगा उस शख्स ने मुझे किस तरह फील कराया था. एंड It's not about diplomacy. It's just about empathy. That's it. Definitely. Hareem, ये भी है आपकी जो family के अंदर, both of your parents are also doctors. So ये जो typical हमारे यहाँ पे माशरे में कहा जाता है कि engineer बनना है, doctor बनना है, तो आपने उस stereotype को भी break किया है. Not just you, but also many other girls who have also done that, who have gone out of their way to select a different career path for themselves, जो कि उनसे दैट रेजोनेट्स विद देम. तो वाई वॉज दैट नेसेसरी? आपको ये फैमिली से प्रेशर कभी फील हुआ कि डॉक्टर ही बनो, इंजीनियर ही बनो, या तो फॉलो योर हार्ट? अम्मी अबू दोनों, इवन माई ग्रैंड पेरेंट्स फॉर दैट मैटर, दे ऑलवेज टॉट अस वन थिंग, जिस चीज़ से प्यार है ना उस पर उसके पीछे जाओ, otherwise don't do anything in life. Really don't. And whatever you try to do in life, give your best. When I realized ki, you know what, I'm going to pursue this as a profession, my parents were the first one I told ke ammi abbu, I want to take up acting and I want to take it up as a profession. And trust me, till this day they are my biggest fans, they are my biggest critiques, they are my biggest supporters. They support each and everything that their kids do, because they believe it's for anyone to grow, it's very important to let them be. Yes. It's very important. They believe in me. They believe in their daughters. They believe in their skill. मैं अपने माँ बाप के बारे में जितना बोलूँ मुझे कम लगता है, बिकॉज आई फील दे या मैं अगर किसी दिन उठूँ भी ना और मैं कहूँ कि खुदा ना खास्ता, आई हैव नथिंग लेफ्ट इन लाइफ, आई डोंट थिंक देर विल बी अ डे लाइक दैट, बिकॉज माई पेरेंट्स विल बी दैट ब्लेसिंग जिसके लिए मैं रोज़ सुबह उठ के शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला के, कि यू नो व्हाट, इवन इफ आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स इन लाइफ, आई हैव माय पेरेंट्स. वो सबसे बड़ी दौलत भी है. एब्सोल्युटली. मेरे हु आई एम टुडे, हूएवर आई एम टुडे, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ देम. बिल्कुल बिल्कुल. हरीम, यू हैव आल्सो स्टडीड जर्नलिज्म एंड सोशियोलॉजी, हैज or have those particular courses ya to jo degree ke andar tha, has that helped you in this career so far, jo apne media ka professionally that you've opted for? Bilkul, absolutely. Main
I'm very pretty much into social sciences, mm-hmm. especially psychology. I love common psychology. Ground. Yeah, absolutely. Mm-hmm. I took up psychology in A-levels as well. Mm-hmm. I think the acting mein, you when you're playing a certain character, you have to be that person. Mm-hmm. Mm-hmm. You have to be that character. So you need to get into the mind of that character. You need to pick up that body language, and I think psychology and sociology, they actually, subjects like these, they actually help you study a certain yeah. character. It's not just about, I'm very fascinated by the human mind. I am. I think it's a miracle of God. The uski jo limits hain, koi limit nahi hai mind ki, koi limit nahi hai, kisi bhi had tak ja sakta hai, kuch bhi ho sakta hai, it can surprise you, it can shock you. तो इस मुझे ना बड़े मज़े की लगती है, मुझे उसके बारे में पढ़ना बड़ा, मुझे बड़ा मज़ा आता है, यू नो कि ओ वाओ, यू नो इस तरह भी होता है, इस तरह भी होता है, इस तरह भी. योर माइंड, ईदर यू कैन कंट्रोल योर माइंड और द माइंड कैन कंट्रोल यू. एंड आई फील सच सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, क्योंकि व्हेन यू प्लेइंग अ सर्टेन कैरेक्टर, उस कैरेक्टर के माइंड सेट में घुसने के लिए बहुत आसान होती हैं वो चीज़ें. साइकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो आपको विच एक्चुअली हेल्प यू विद सर्टेन कैरेक्टर्स. ऐसी बहुत थियरीज होती हैं जो विच एक्चुअली जब आप कैरेक्टर कह रहे होते हैं तो यू लाइक ओ वाओ, यू नो आई कैन एक्चुअली बेस माय कैरेक्टर ऑन दिस थियरी बिकॉज इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट. तो और बहुत सारी कुछ सिचुएशंस होती हैं व्हाइल यू आर एक्टिंग, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दैट सर्टेन इमोशन, आपको इस तरह की जो सोशल साइंसेज वगैरह होती हैं उसमें बहुत हेल्प मिलती है उसको समझने में कि यू नो कि व्हाई डिड आई, हाउ वुड आई रिएक्ट टू, हाउ वुड दिस सर्टेन कैरेक्टर रिएक्ट टू दिस सर्टेन इमोशन और दिस सर्टेन सिचुएशन. आई थिंक इट्स अ वेरी बहुत डीप स्टडी होती है, लेकिन आई फील आई एक्चुअली देर आर सर्टेन कैरेक्टर्स जिनके लिए मैं आई एक्चुअली डू स्टडी सर्टेन केसेस जस्ट टू गेट टू नो के यार व्हाट गोज ऑन इन दैट माइंड. माइंड बिल्कुल. हाँ, तो आई थिंक एब्सोल्युटली दे हेल्प यू अ लॉट. डेफिनेटली. आपका कोई ऐसा टेलीविजन प्रोजेक्ट या फिल्म प्रोजेक्ट व्हिच यू रिग्रेट डूइंग? नन, नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट दैट आई रिग्रेट, नॉट अ सिंगल वन. आई ओन अप एवरी प्रोजेक्ट दैट आई हैव डन बिकॉज आई एम हु आई एम बिकॉज ऑफ every single step that I've taken. And you think that failures are what make you? I think failure is when you give up. Mm-hmm. That's it. Mm-hmm. It's not a certain bump, it's not a failure. Mm-hmm. So for me, the day you decide to give up on something, that's failure. Professionally, Hareem, which storylines do you want to be a part of? कौन सी ऐसी स्टोरीज हैं जो आप चाहती हैं इसका मैं हिस्सा बनूं और ये मैंने करनी है जो अभी फिलहाल आपने नहीं की? मुझे सारी स्टोरीज करनी है. अच्छा, सारी स्टोरीज. आई लव चैलेंजिंग माय ओन सेल्फ. आई डू, आई वांट टू चैलेंज माय सेल्फ टू सी के जो चीज मुझे लगता है ना कि मैं नहीं कर सकती, मैं वो करना चाहती हूं. मैं टू सी के वेदर आई कैन डू इट और नॉट, आई रियली वांट टू ट्राई इट. सो फॉर मी इट्स नॉट अ सर्टेन स्टोरी लाइन जिस पर मेरा दिमाग फंसा रहता है कि मुझे ये करना है. आई लव एक्सप्लोरिंग, आई एम अ वेरी क्यूरियस माइंड, आई लव एक्सप्लोरिंग. सो आई हैव टू डू एवरीथिंग. और ख़ासतौर पर कोई मुझे खुद अगर अपने पर शक हो कि मैं नहीं कर सकती और मुझे कोई कह दे कि आप नहीं कर सकती, मैं कहती हूँ आप तो मुझे करके देखना है कि मैं क्यों नहीं कर सकती. सो फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग दैट देयर इज आउट. You have been affiliated with IRK Films for many years now. So, kaisa experience raha hai working with your friend and who you call your brother, Imran Reza Kazmi? How has that been like? Main sust ho gayi hu, it's because it's home, right? It's family. That is what it is. IRK has such an important part to play in what I am, who I am as a person. I think it's very bahut sari IRK Films is my strength, IRK Imran himself is my strength. So it's for me it's very it's family, it's home. Kya kehte hain, I can be who I am, I can be whatever I want to be, I'm free there. Not that I'm not in the outer world as well, but it's, you know, it's jo aap ghar pe hote hain, jo aapko you can okay, you can do a lot of things, you can experiment, you can explore, and you know there are people out there who are looking for your welfare and who will always protect you. So that for me it's a very safe place, it is. And I don't want anything but success for IRK Films. Everything good, I think IRK Films deserves that. और मुझे लगता है आर के फिल्म ने ब्रेक भी किया ये कि इट हैज़ रियली हेल्प्ड इस्लामाबाद, यू नो
and Puppet's essence with regard to films and television shows. Different, so I think that's absolutely great. You star in the new film, which is going to release very soon as well, Heer Maan Ja. What is the plot about and what is your character? And why do you think the people should watch this film? I have a lot of reasons. First of all, I think it's jab hum Heer Maan Ja bana rahe the, it was very conscious effort that it has to be a commercial film. Because we need cinema going culture wapas chahiye. So we need to give people a relief, right? Having said that, we wanted that if it's a commercial film, then because our direct comparison is Bollywood, so we wanted that we don't Bollywood ko na masala, we don't want masala. We need a good family masala, a Pakistani family masala. Chahiye. We want the Pakistani audience to relate to that film when they watch it. We want the youngsters to relate it. We want the elders to relate to it. We want कि कोई भी देखने आए ना तो ही मान जाए कोई भी जोक हो तो कहे अरे यार ये तो यू नो ये हमारे साथ होता है एनी रिलेशनशिप दैट दे सी ऑन इन दैट फिल्म दे वांट टू बी दे वांट दे कैन रिलेट टू दैट यू नो माय पर्सनल फेवरेट इज अ फादर डॉटर रिलेशनशिप दैट दे वी हैव शोन इन द फिल्म इन फैक्ट दैट इज वन जब हम फिल्म लिख रहे थे सो इट वाज it is actually inspired by a true incident. It is based on my father's relationship with me. It is. So for me, I think it was it had a very sentimental value to it as well while I was playing it. Abid Ali plays my father in that film. It was very for me, it was very emotional. It was very sentimental. Us tarah ke relationships relate kar sakte hain logon se. The girl and the boy ladaiyan that we've shown or the struggle that we've shown, it's something that people can relate to because it was a conscious effort when we were writing that film ke yaar Pakistani jab dekhna hai na awam to wo kahe ke oye haan ye bhi to hota hai are ye bhi to hota hai theek hai aur doston ka relationship Kabir ka jo uske dost ke sath relationship dikhaya gaya hai then we have a lot of characters in the film jo generally chote lekin they're very वो होता है कि यार ये तो हमारे कैरेक्टर्स हैं हमारे डेली लाइफ के कैरेक्टर्स हैं अरे ये वो हमारा एक दोस्त होता था बिल्कुल ऐसा होता था उस तरह का क्योंकि हमने बेस किया है इन चीज़ों पे सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन मेजर पुल फैक्टर कि इट्स अ कमर्शियल पाकिस्तानी फैमिली मसाला एंड रिलेटेबल बिल्कुल व्हेन आई से पाकिस्तानी आई मीन कि इट्स रिलेटेबल कि हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस जो है वो करेगी गाने हमने इस तरह के रखे हैं उसमें The music, I think, will be another major pull factor for it. Because we love our music. Hame gaane, again, aap cinema jaate hain, aap gaane dekhna chahte hain. Or you want to be in a fantasy world for 3 hours or 2 hours. You want to be in that. You want. Uske baad nikal ke waisi tension hai. तो हाँ, तो वो आपको होता है कि बस वो 2 घंटे आप relief हों. Then we have this thing with IAK films कि हम लोग कोई भी हमें एक you know there's एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी बी इट एन एक्टर और अ प्रोड्यूसर एनी वन रिलेटेड टू मीडिया इंडस्ट्री दे ऑलवेज हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैम वी बिलीव इन दैट हम हर फिल्म में कोशिश करते हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ एक थॉट प्रोवोकिंग चीज़ के बारे में बात करें वी डोंट बिलीव इन स्लैपिंग पीपल विद अ चेंज वी बिलीव इन इंजेक्टिंग चेंज जिस तरह जान श्याम में हमने ब्लैक मैजिक के ऊपर किया था जानान में हमने चाइल्ड अब्यूज़ पे पेडोफिलिया पे हमने थोड़ा सा वी डिड हिंट अबाउट दैट फिर हमने पर्ची में वी टॉक्ड अबाउट विमेन एम्पावरमेंट एंड हाउ विमेन आर परसीव्ड हाउ विमेन कैन बी परसीव्ड डिफरेंटली एंड देन इन क्या कहते हैं हीर मान जा एब्सोल्युटली राइट एंड देन इन हीर मान जा वी हैव हिंटेड ऑन ऑनर किलिंग We have, because again another thing that people don't usually talk about, and we've shown ke how ek honor killing ka ek aspect hai, aur isme ek ye bhi hai ke how we don't tend to take things so seriously in life. Bahut major cheezein jo hum bahut for granted le lete hain, lekin kisi ka bahut bada nuksan ho sakta hai usse. I think we have actually based Heer Maan Ja on empathy. To be very honest, ke it's important. To realize के in life के हम कभी कभी बहुत selfish होके बहुत बड़ी चीज़ें कर जाते हैं अपने लिए लेकिन उसके पीछे किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है so it's very important to be careful of people around you mindful of people around you so again I can come up with a huge long list for women there are going to be a lot of dresses in the film a lot of dresses because we've got a lot of bridal scenes we've got great dances we've got great
energy in the film. The great, there's a lot of energy in the film. While we were shooting the film, even was it shot in Islamabad? There are all the locations. Islamabad and Karachi. Again, we believe that we first Pakistan ko ek acha wo project kare, Pakistan ki cheez and beauty dikhaye, and then we start going abroad. And you know, it's important that if we Pakistani film international platform pe leke jana, ye hamara khayal hai. This is what we believe. I'm not criticizing anyone else. Lekin hame hota hai ki Islamabad kabhi map pe aaya hi nahi. To hame hota hai ki Islamabad dikhaye, yahan kitna khoobsurat hai. Bilkul, bahut hai, bahut. Isliye hum again, it's a conscious effort to shoot in Islamabad and Karachi for that matter. Karachi ke humne, in fact, main khud ek shot dekh rahi thi to main kehti hain, oh my god, this looks beautiful, I would want to go there. Halanki maine wahan pe shoot kiya tha, lekin as an audience when I was watching that, aisa ki locations jab dekhte bhi hain to bahut surreal lagta ki waqai Pakistan hai. Exactly. So it's a good thing that we are shooting in those locations and everything, so that's a good thing. Hareem, ये भी बात की जाती है कि सिनेमा के अंदर कॉमेडी ही सिर्फ नहीं चल सकती, यू ऑल्सो नीड टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट जॉनर्स ऑफ फिल्म. तो आपको क्या लगता है कि कॉमेडी से बियॉन्ड भी वी शुड गो? लेकिन ये भी बात आती है कि कमर्शियल सिनेमा की जब बात की जाती है, जब कमर्शियल फिल्म्स बन रही हैं, तो कॉमेडी लोग ज़्यादा प्रेफर करते बिकॉज दे वॉन्ट टू लेट लूज, लेकिन एट द सेम टाइम यूँ चल नहीं सकती इंडस्ट्री. तो आपको क्या लगता है कि डिफरेंट जॉनर्स को किस तरह, हाउ कैन वी पुल द ऑडियंस टूवर्ड्स दोज जॉनर्स जो कि जिन पर अभी फिल्म फिलहाल नहीं बन रही, जो ज़्यादा सीरियस हैं, आर्टिस्टिक हैं, जिस तरह मूड थी, बोल थी फिल्म. तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? आई थिंक वी नीड टू रियलाइज वन थिंग, हमारे पास सिनेमा नहीं था बहुत सालों तक, बिल्कुल भी नहीं था, राइट? तो हमें सबसे पहले जॉनरा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑडियंस को वापस लाना है सिनेमाज में. हमने इतने साल क्या देखा, हमने बॉलीवुड देखा इतने साल, हमें आदत किस चीज़ की लगी, हमें बॉलीवुड की आदत लग गई. इट हैज़ टेकन बॉलीवुड अ सेंचुरी टू एक्चुअली मेक देयर पीपल अंडरस्टैंड डिफरेंट जॉनरस. अब जाके उनका इंडी सिनेमा चलना शुरू हुआ है, अब जाके डिफरेंट जॉनर्स एक्सपेरिमेंट होना शुरू हैं और उनकी ऑडियंस बढ़ना शुरू हुई है. दे हैव एजुकेटेड देयर ऑडियंस ओवर इयर्स. हमारा तो सिनेमा भी शुरू हुआ है, राइट? इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि वी गेट आर पीपल टू कम टू सिनेमाज टू वॉच पाकिस्तानी फिल्म. दैट्स इम्पॉर्टेंट राइट नाउ. आई अप्लॉड एवरीवन हु एक्सपेरिमेंट्स विद जॉनर्स बिकॉज दैट्स अ वेरी ब्रेव मूव. यस. एंड पाकिस्तानी सिनेमा की सबसे मज़े की बात यह है कि पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग विद जॉनर्स, राइट? दे डूइंग इट. इट इज़ इट्स कोई हर कोई सिर्फ एक ही फिल्म नहीं बना रहा, हर कोई मसाला कमर्शियल फिल्म नहीं बना रहा. लाल कबूतर व्हाट अ ब्रिलियंट फिल्म इट वाज, राइट? आई लव्ड इट. उस पर इस तरह के जॉनर्स बन रहे हैं और हमारे देन वी हैव फोर्सेज, हमारे फोर्सेज पे इतने बन गए हैं. शेर दिल है, परवाज़े जुनून, क्या कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम अपना कल्चर दिखाना शुरू हुए हैं. तो आई थिंक इट्स कमर्शियल फिल्म्स एट द एंड ऑफ द डे फॉर एनी सिनेमा, बी इट हॉलीवुड, आखिर में वो कमाते एंड गेम से ही हैं, राइट? सुपर हीरो मूवीज से ही कमाते हैं, वो वहाँ से ही पैसा उनका बनता है. दे मेक कमर्शियल फिल्म्स. यू नीड टू हैव कमर्शियल फिल्म्स इफ यू वॉन्ट टू रन योर सिनेमा इंडस्ट्री. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सो इंस्टेड ऑफ आई फील कि हमें बहुत क्रिटिसिज्म लोगों को मिलता है, प्रोड्यूसर्स को, कि मसाला फिल्म. नो डूड, कम ऑन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मसाला फिल्म देखने आएगी ऑडियंस ना, तो सिनेमा बनना शुरू होगा, स्क्रीन्स बनना शुरू होंगी, फिर लेट्स एक्सपेरिमेंट विद ऑल दीज जॉनर्स. इसके भी पीछे साइकोलॉजी है एक बहुत बड़ी, के यू हैव टू पुल पीपल फर्स्ट, देन यू कैन यू नो गो फर्दर. तो ये आप मुझे बताएं कि व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट? आई मीन ऑब्वियसली यू आर एन एक्ट्रेस, यू हैव आल्सो डन अ लॉट ऑफ मॉडलिंग एज वेल, इवन दो यू आर एन एक्टर बट यू हैव स्टिल एक्सपेरिमेंटेड विद दैट. आई डोंट कंसीडर दैट मॉडलिंग. लेकिन फिर भी मतलब ऑब्वियसली कहा जाता है कि एक्टर मॉडल भी होता है. सो लेकिन आप मुझे बताएं व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट क्या करना चाह रही हैं विद डायरेक्शन? ठीक है, यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स डायरेक्शन. But not right now, in a few years maybe. Okay, Hareem, I'll ask you a few questions, short related questions. So, aapne bas one liners ya few words mein batana hai. Who are your favorite co-stars? Stars. Yeah. Ali Rehman, Usman Khalid Butt, yeah. Adnan Siddiqui, and Mikal Zulfikar. Mikal Zulfikar. Got it. Females acha, hai isme. You can name females if you want. Sanam Saeed, Tuba Siddiqui. Okay, great. Sanam Jung. Great. describe Ali Rehman, your co-star in Heer Maan Ja, in one word, and then describe Imran Raza Kazmi in one word. One word for each. Ali Rehman and Heer Maan Ja. But the Vesidi, Ali Rehman overall, your co-star.
Yeah. Ali Rehman. In one word. He's a kid. Kid. He's a kid. He is. Fair enough. Yeah. Okay, and Imran Raza Kazmi. He is love. Love. Yeah. Kid and love. Yeah. Great. Your view on journalism in Pakistan today? We have a because long you have studied way journalism to, as well. So. A long way to go. Long way to I go. I think we have, I'll be very honest, we have forgotten certain boundaries in journalism. Though it is a worldwide thing, but I think we have forgotten to set those limits in journalism in Pakistan. I think it's time we started creating boundaries. We started creating... learning ethics again. Absolutely. Yeah. Absolutely. Okay. Great. Favorite food? Are you a foodie, Vese? I am. You are. Favorite food? Do you have any? Favorite? All time dal chawal. I can have it any time, any day, anywhere. Great. Good dal chawal. I see. Favorite vacation spot? Istanbul. Istanbul. Yeah. Got it. Islu or Karachi? Islu. Yes, I agree with you. Okay. Favorite outdoor activity? Badminton. Badminton. Okay. And one thing we don't know about you yet? Any fact you would like to disclose? If you guys don't know that about me yet, so that means that I have kept it baki rakha. Lekin waise agar kuch batana chahe, a fact about you. A fact about you, about me. I love my sleep. Hmm. I love my sleep. Got it. Yeah. Theek hai. And how do you want to be remembered? Yeah. How do I want to be? I want to be remembered as... I want to be remembered for generations. I want to die... doing something for people that would help them, would help generations, which would create an impact, which would affect generations in a positive manner. Hmm. I want to be remembered as someone who actually did something good for generations. I see. And lastly, your pet peeve. Yeah, what something bad you hate. Bad smell. Hmm. Bad body odor. That's a no-no. Okay, Hareem, thank you so much. It was a pleasure. And thank that's you. All for now. Stay tuned for more on my official YouTube channel and Facebook page. Until then, take care. Allah Hafiz.